नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय मलिक आपके अपने चैनल विजय सफर पर आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके को स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं। बताना चाहूंगा कि अपना ये 10वां जिला है, 16वां वीडियो है। जल्द से जल्द स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि सभी जिले पढ़ने के बाद हरियाणा जीके को और थोड़ा विस्तार से पढ़ें। उदाहरण के तौर पर हरियाणा की राजनीति, हरियाणा का नदियाँ, और थोड़ा विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, दो पार्ट में आपको जींद कराया जाएगा। देखिए, जींद जैसा कि दर्शाया गया है बोर्ड पे, चलिए स्टूडेंट्स कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या जींद से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं? स्टूडेंट्स, जींद देखिए दर्शाया गया है। यहाँ स्टूडेंट्स 5 सीटें दर्शाई गई हैं, जो MLA सीटें, विधानसभा सीटें हैं, नरवाणा, उचाणा, जींद, सफीदो, जुलाना। 5 सीटें विधानसभा की जींद में कौन कौन यहाँ से बने हैं, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इसकी अवस्थिति देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर में इसको पंजाब टच करता है, उत्तर में पंजाब टच करता है। इसको स्टूडेंट्स पश्चिम में फतेहाबाद और हिसार दोनों टच करते हैं। दक्षिण में स्टूडेंट्स इसको रोहतक और सोनीपत टच करते हैं। जहां तक दक्षिण पूर्व की बात है, आपका पानीपत टच करता है, कहीं ना कहीं सोनीपत भी थोड़ा बहुत टच करता है। जहां तक पूर्व की बात है स्टूडेंट्स, इसको करनाल टच करता है। जहां तक उत्तर पूर्व की बात है, इसको कैथल टच करता है। जहां तक उत्तर की बात है स्टूडेंट्स, इसको पंजाब टच करता है। कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हरियाणा का जिला जिससे सबसे ज्यादा जिलों का सीमा लगती है वो आपका जींद है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि जींद से सबसे ज्यादा जो सीमा लंबाई है वो किस राज्य की है, किस जिले की है, तो स्टूडेंट्स वो है हिसार। हिसार की सीमा लंबाई जींद से सबसे ज्यादा टच करती है। सबसे कम पूछा जाए तो स्टूडेंट्स रोहतक, रोहतक की जो सीमा है वो जींद के साथ सबसे कम टच करती है। और चीजें स्टूडेंट्स लिखना जो स्टार्ट कीजिए, प्राचीन नाम क्या था जींद का, लिखिए जयंती देवी नगर, प्राचीन नाम जयंती देवी नगर, जयंती देवी नगर। इसको स्टूडेंट्स हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, हरियाणा का हृदय भी कहते हैं जींद को, कहीं ना कहीं बीच में है, हार्ट ऑफ हरियाणा इसको कहेंगे स्टूडेंट्स, हरियाणा का हृदय। लिखते रहिए सारी चीजें स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे इसको, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हृदय। स्टूडेंट्स, जींद रियासत होती थी, आपने हिस्ट्री पढ़ी, 562 रियासतें थी, तो कहीं ना कहीं उनमें जींद रियासत भी थी। हरियाणा के अंदर जींद रियासत होती थी। उत्तर में मैंने बताया पंजाब टच करता है, कहीं ना कहीं पास में पटियाला रियासत थी, जैसे आपका राजस्थान में भरतपुर रियासत उदाहरण के तौर पे, तो हरियाणा में स्टूडेंट्स नीचे जाएंगे तो लोहारू रियासत थी, ऊपर जाएंगे जींद रियासत थी, पंजाब में जाएंगे पटियाला रियासत थी, राजस्थान में जाएंगे भरतपुर रियासत थी। तो स्टूडेंट्स ये रियासतें होती थी, शासन अंग्रेजों का होता था लेकिन जो स्थानीय शासन होता था वो रियासत के राजा का होता था। तो स्टूडेंट्स आगे लिखते रहिए स्टूडेंट्स, हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत, लिखते रहेंगे हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत जींद थी, हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत जींद थी, पटियाला रियासत के साथ, लिखते रहेंगे पटियाला रियासत के साथ इनके संबंध थे। देखिए स्टूडेंट्स, इसको किसने बसाया था, इसके संस्थापक थे गजपत सिंह, गजपत सिंह इसके संस्थापक थे। लेकिन 1947 के अंदर जब रियासतों को एकीकरण कर दिया गया था, उस समय यदि आपसे पूछा जाए जींद रियासत के अंतिम शासक कौन थे, रणवीर सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन थी,
कि सभी रियासतों को एक साथ करके एक राष्ट्र के रूप में कायम किया जाएगा। तो लास्ट में स्टूडेंट्स जो है आपके मैंने बताया रणवीर सिंह, दो रानियों के नाम भी आते हैं जिनका जीन से संबंध रहा है, वो भी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, रानी शोभा राय और रानी सोहाद्री, दो रानियां हुई हैं जिनका जींद रियासत के साथ संबंध है, पूछ लेते हैं कई बार। तो स्टूडेंट्स देखिए, गजपत सिंह संस्थापक थे, तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए गजपत सिंह का किला कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे, जींद में। जब उन्होंने जींद में अपने साम्राज्य को स्थापित किया है तो निश्चित बात है कि गजपत सिंह का जो किला है वो कहाँ पे होगा, जींद में होगा। और चीजें स्टूडेंट्स क्या क्या पूछी जाती हैं परीक्षा के लिहाज से, ये मैंने आपको थोड़ा हिस्ट्री बताया है जींद का, किसने स्थापना की, किस रियासत के साथ इनके संबंध रहे। एक स्टूडेंट्स भैंसे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जींद में, सबसे ज़्यादा भैंसे, आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा भैंसे कहाँ पाई जाती हैं, जींद में, और स्पेशल कौन सी भैंस की जाति पाई जाती है, मुर्रा नस्ल। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है दूध ज़्यादा होता है, 7% फैट होता है स्टूडेंट्स, 7%, जो इसके सींग होते हैं उस जलेबी के आकार के होते हैं, इसको हरियाणा में काला सोना भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। मुर्रा नस्ल की भैंस को स्टूडेंट्स काला सोना भी कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है मुर्रा नस्ल की भैंस को। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं, अपने घर में जाके देखिए कौन सी भैंस है, आप पता चल जाएगा आपको, हालांकि शहरों में ऐसा नहीं होता, गांव के अंदर ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स पूछा जाए सबसे ज़्यादा पशु, सिर्फ पशु, वैसे नहीं, पशु और गाय, सबसे ज़्यादा पशु स्टूडेंट्स पाए जाते हैं हिसार में, गाय पाई जाती हैं सिरसा में, वैसे पाए जाते हैं जींद में। आपसे पूछा जाए सबसे कम पशु कहाँ पाए जाते हैं, पंचकूला में। फिर से रिपीट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, सुनिए लिखते रहिए, सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं हिसार में, सबसे ज़्यादा भैंसें पाई जाती हैं जींद में, सबसे ज़्यादा गायें पाई जाती हैं सिरसा में, सबसे कम पशु पाए जाते हैं पंचकूला में, क्योंकि लगभग जो है एक शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे पशुओं की आबादी कम पाई जाती है, पालतू पशुओं की, जहाँ तक कहना चाहेंगे। और क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो जींद को परीक्षा के लिहाज से विशेष बनाती हैं, सबसे पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है, पक्की सड़कों का घनत्व, पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम कहाँ पे है, जींद में। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो अंबाला में, सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व स्टूडेंट्स कहाँ पे है, जींद में। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो है आपके अंबाला में। एक स्टूडेंट्स और क्या पाया जाता है, सबसे कम जहां तक वनस्पति की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स झाड़ियां जो है वो सबसे कम पाई जाती हैं जींद में। इसके अलावा एक वृक्ष होता है स्टूडेंट्स सफेदा, यूकोप्लेक्स जिसको हम कहते हैं, जिसका काम होता है कि जमीन से पानी को सोखता है और वायुमंडल के अंदर छोड़ देता है, कहीं ना कहीं पानी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे सफेदे जरूर लगाते हैं। अभी देखिए आप धान होते हैं तो क्या होता है, पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, आपको आगे आने वाली फसलों में दिक्कत होती है तो वहाँ पे सफेदा लगा देते हैं ताकि वो जल स्तर को बढ़ने से रोकता है। एक स्टूडेंट्स नीम, एक शीशम, ये वृक्ष होते हैं, आप गांव के हैं या शहर के हैं परिचित होते हैं कि नीम है, शीशम है, सफेदा है, तो ये तीनों चीज़ें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं आपकी, ये पाई जाती हैं जींद के अंदर। एक शुष्क वन पाए जाते हैं जो पत्तियाँ गिरा देते हैं, अभी स्टूडेंट्स देखिए जनवरी फरवरी का जो महीना होता है हवा के अंदर नमी कम हो जाती है, नमी कम होने से क्या होता है कि पेड़ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पत्तियाँ गिरा देते हैं, तो शुष्क वन कहाँ पाए जाते हैं आपके, जींद में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स और सारी चीज़ें जो जींद से संबंधित हैं आप लिखते रहिए, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, इसको और अच्छे तरीके से आप लिखते रहिए।
स्टूडेंट्स, एक वन्य जीव अभयारण्य है, देखिए कौन सा है, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य, बीरबारा जीव वन्य अभयारण्य, ये कहां पे पड़ता है, जींद में। दो पर्यटक स्थल भी हैं स्टूडेंट्स जींद में, उनको भी नोट कीजिए, बुलबुल बुलबुल पर्यटक स्थल, ये कहां पड़ता है, जींद में। एक और है स्टूडेंट्स हरियल, हरियल हरियल स्टूडेंट्स पड़ता है आपके नरवाना में, नरवाना कहां पे है, जींद में। तो ये स्टूडेंट्स पर्यटक स्थल आपके यहां पे पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट्स लूर नृत्य जींद में किया जाता है, बागर क्षेत्र का लूर नृत्य जींद में किया जाता है, होली के अवसर पे किया जाता है, गीत के माध्यम से प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, वो कहां पे होता है, जींद में। चलिए कुछ तीर्थ स्थलों के बारे में बात करते हैं, जींद में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं पांडू पिंडारा, ये स्टूडेंट्स जींद में पड़ता है, मैं खुद गया हूं पर्सनली, मैं आपको बताना चाहूंगा, सोमवती अमावस्या को स्टूडेंट्स, हर सोमवती अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है, कुरुक्षेत्र में भी लगता है, जींद में पांडू पिंडारा प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा मेला यदि आप जानना चाहेंगे कि जो पितृपक्ष का होता है वो कहाँ पे लगता है, बोधगया में, लेकिन हरियाणा के अंदर स्टूडेंट्स पांडू पिंडारा प्रत्येक सोमवती अमावस्या को पितरों के लिए मेला लगता है। स्टूडेंट्स मैं 5 या 6 बार गया हूँ, एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके अंदर स्नान करते हैं, फिर अपने पितरों को पिंडदान करते हैं, एक प्रक्रिया होती है उस तालाब की, थोड़ा मेरे को याद आता है। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ पे हैं, पांडू पिंडारा जींद में है। एक स्टूडेंट्स है दमताना साहिब तीर्थ, ये स्टूडेंट्स पढ़ता है नरवाना में, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी जब शहादत देने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में यहाँ पे रुके थे। विशेषता स्टूडेंट्स जो भी है आप सारी चीज़ें जो है लिखते रहिए कि सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी जब शहादत को दिल्ली जा रहे थे तो कहाँ रुके थे, दमताना साहिब तीर्थ नरवाना जींद में। अगला तीर्थ स्टूडेंट्स ढूंढवा तीर्थ, ये भी स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ता है, ये पड़ता है जींद में, प्रॉपर जींद में। कहते हैं कि दुर्योधन युद्ध में हार के यहाँ तालाब के अंदर नीचे छिप गए थे, तो भीम ने उसको वहां से निकाल के उनको मार दिया था। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ पे है, ढूंढवा तीर्थ। चलिए स्टूडेंट्स अगला है हंडेश्वर तीर्थ, ये भी स्टूडेंट्स जींद में है, कपिल मुनि का जन्म यहां पे हुआ था, कपिल मुनि का जन्म, कपिल मुनि का स्टूडेंट्स जन्म यहां पे हुआ था। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने यहां पे हंस की सवारी की थी। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क देता हूं, अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आप तैयार रखिए कि नरवाना से अभी जो हाल के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं कौन जीता है, सफीदों से कौन जीता है, जींद से कौन जीता है, जुलाना से कौन जीता है, मैं आपको एक बता देता हूं, उचाना से दुष्यंत चौटाला जीते हैं, प्रेमलता वीरेंद्र सिंह की पत्नी उनको हरा के डिप्टी सीएम बने हैं, नई पार्टी उठाई है जेजेपी, पहली बार 10 सीटें आई, किंग मेकर बने, बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर डिप्टी सीएम है, वो कहाँ से चुनाव लड़ा है उन्होंने, उचाना से, उचाना जींद के अंदर पड़ता है। बाकी 4 सीटें कौन कौन जीता है, कौन यहाँ पे हारा है, मैं आपको हिंट भी देता हूँ, बाकी 4 में एक कांग्रेस जीती है, एक बीजेपी जीती है और 2 जेजेपी जीती है। आप इनको इकट्ठा कीजिए, आंकड़ों को अगले वीडियो में जींद में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। तो स्टूडेंट्स जल आते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।